पांच जो माओवादी मारे गए हैं, ये प्रथम दृष्टया दंडकारण्य की सप्लाई टीम के सदस्य है, जिसमें डीवीसीएम वनजा और चार लोग हैं। और अभी फिलहाल सर्च की कार्रवाई खत्म होने का है और पार्टी वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, ये जो कमेटी थी ये कहाँ गई थी कमेटी? क्योंकि इस पे 5 मेंबर जो सप्लाई टीम के, तो क्या इससे सप्लाई टीम की चेंज हो चुकी है नक्सली? हाँ, पांच लोग एक ही टीम में खत्म हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी पार्टी वापस आने के बाद और आने वाले दिनों में कुछ जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे और अच्छे से हम आकलन कर सकते हैं कि इस एनकाउंटर से कितना प्रभाव पड़ा। सर, वो जो प्रभाकर के सुरेश नाम आ रहा है, वो प्रभाकर का राइट हैंड कहा जाता था, क्या वो भी इस मुठभेड़ में आ रहे हैं? सुरेश नाम से कोई अभी तक है नहीं, संतोष नाम से एक है। हो सकता है कि ये नाम गलत होगा या उनका दो तीन नाम रहते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में और अच्छे से हम इसका तस्दीक करा पाएंगे। सर, एक जो राइफल बरामद हुआ है उसकी डिटेल्स सर? एक SLR है, एक इंसास है, एक BGL है जो ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं, और तीन इसमें 12 बोर के राइफल है। सर, कितने घंटे ऑपरेशन चलिए, कितने जवान थे? सर, ये संख्या और समय ये सब बताना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, पर आप लोग जानते हैं कि 16-17 पूरी चली है और आज वापस है। कितने नक्सली मिले हो लगभग उस पहाड़ पर? जिस तरह से फायरिंग हुआ है तो लगता है कि कम से कम 60-70 तो होंगे, पर क्योंकि सर्च में कुछ मिला नहीं है इसका पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। क्या और नक्सली घायल हो सकते हैं, या फिर मारे गए कुछ नक्सलियों को नक्सली अपने साथ लेकर चले गए वैसे ही? हो भी सकता है, इसमें इतनी फायरिंग चली है, हो सकता है कुछ घायल हो गए या कुछ मर गए होंगे। पिछले 2-3 बार में जो भी एनकाउंटर हुआ है माओवादियों के द्वारा भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, तो उससे और जानकारी पुष्टि हो जाती है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में वो भी उनकी प्रेस रिलीज जारी करें।